हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है भारत और केनिया। केनिया कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अफ्रीका में, यानी अफ्रीका जो महाद्वीप है। केनिया ही आज का हमारा टॉपिक क्यों है? जैसा कि आप लोग को पता है, केनिया के जो प्रेसिडेंट है विलियम रूटो, इस समय किए गए हैं दोनों के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं दोनों देशों के बीच में। अब उन एग्रीमेंट की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है, कहाँ पर पड़ता है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो किन किन क्षेत्रों में ये भागीदारी हुई है, ये सभी के सभी क्षेत्र। देखो किस क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में यानी रक्षा क्षेत्र में भागीदारी हुई है, बिजनेस क्षेत्र में भागीदारी हुई यानी व्यापार, और ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी की गई है। साथ के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे हैं वहां पर भी बात की गई है, वहां पर भी एग्रीमेंट हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एग्रीमेंट हुआ। ये सभी एग्रीमेंट याद रखने हैं कि एनर्जी, डिफेंस, बिजनेस, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलों के साथ साथ शिक्षा, ठीक है, डिजिटल सॉल्यूशन, सभी के साथ यहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट हो रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है वो है ये मैरीटाइम। मैरीटाइम महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि जहां पर केन्या पड़ता है, केन्या का पड़ोसी देश है सोमालिया, जिसको समुद्री लुटेरे का देश कहा जाता है। उस पर भी आगे चर्चा करेंगे क्यों वहां पे क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है सोमालिया से। वहां पे क्या होता है, सोमालिया में गुंडे रहते हैं, समुद्री लुटेरे बोलते हैं, वे आने जाने वाले जो शिप होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। जैसा भी हाल ही में भारत का किया था, भारत छुड़ा के लेकर आया था उसको। अब देखो साथ के साथ पिछले साल क्या हुआ था, दो भारतीय लापता हो गए थे, कहाँ पर, अफ्रीका से। तो उनका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, ये रहा यहाँ पर जिक्र, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये सभी के सभी कृषि क्षेत्र में काफी ज्यादा, आप देखो इसमें निवेश की पेशकश भी की है कि इन्वेस्टमेंट करो केन्या के अंदर, इन्वेस्टमेंट करो। भारतीय जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको वहां पर बुलावा दिया गया है कि आइए केन्या में आइए और क्या करिए, इन्वेस्ट कीजिए वहां पर। किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। मैंने पीछे बताया था आप लोगों को लगभग 250 बिलियन डॉलर का भारत ने ऋण दिया है केन्या को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बुलाया गया कि इन्वेस्ट करो। फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में केन्या ने इन्वेस्टमेंट के लिए भारतीय बिजनेसमैन को न्योता दे दिया गया है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब केन्या ने सीधे सीधे बोला गया, आप इंटरप्राइजेस हमारे यहाँ पर खोलो, जो छोटे एसएमई होते हैं, एसएमईएस होते हैं, उनको खोलने की बात की गई है। क्योंकि केन्या के अंदर लगभग 1 लाख, पूरे देखा जाए तो लगभग 80,000 के करीब खुद भारतीय रहते हैं वहां पर। और जो भारतीय रहते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बोलते हैं ना कि अगर जो अमीरी कैटेगरी की बात करें तो वहां पे भारतीय अच्छी काफी दौलत कमाए हुए हैं, अच्छी काफी स्थिति में है वहां पर, ठीक है। अब यदि बात करें यहाँ पे तो देखो ये क्या है, ये है, ये यहाँ पे मोम्बासा पोर्ट, यहाँ पे केन्या के अंदर पड़ता है मोम्बासा पोर्ट। मैप के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, लगभग 80% जो व्यापार होता है केन्या का यहीं से होता है। अब यहाँ से जो व्यापार होता है समुद्री रास्ते से होता है, सबका सब यहाँ पे आता है, यहाँ से जाता भी है और यहाँ पे आता भी है। अब यहीं से सोमालिया के अंदर जाएगा, इथोपिया के अंदर जाएगा, सूडान के अंदर जाएगा, युगांडा के अंदर जाएगा, तंजानिया के अंदर जाता है। तो केन्या इस हिसाब से इस क्षेत्र में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है भारत के लिए। तो ये जरूर याद रखना एग्जाम पर्पज से कि मोम्बासा पोर्ट कहाँ पर है, ये किस देश का है। तो मोम्बासा पोर्ट किसका है, केन्या का है। पूछा जाने लगे कि किस समुद्र तट पर है, तो यहाँ पे कौन सा समुद्र, ये सारा का सारा अरब सागर ही है, इंडियन ओशियन, पूरा पूरा इंडियन ओशियन है, और ये सारा सारा क्या, अरब सागर है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये अरब सागर है यहाँ पर, यहाँ पे क्या पड़ जाता है, रेड सी पड़ जाता है। ये जरूर ध्यान रखना कि रेड सी कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे आदन की खाड़ी यानी पर्सिया, वेव पर्सिया पड़ जाती है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना। ये रेड सी हो गया, जिसमें अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इसराइल के प्लेन को यानी शिप को हाईजेक कर लिया गया था हुती विद्रोहियों द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये है सोमालिया, जिसको डाकुओं का देश कहा जाता है। ये समुद्री लुटेरे होते हैं, ये आने जाने शिप को लूटते हैं। इनका हत्या करना कोई उद्देश्य नहीं होता, बस इनका उद्देश्य ये होता है, जहाज पकड़ लिया यानी शिप पकड़ लिया, उससे पैसे ऐंठना और फिर उसको छोड़ देना,
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, केन्या के पड़ोसी देश जरूर याद रखना, तंजानिया, युगांडा, सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, ये पढ़ते हैं। मोम्बासा पोर्ट जरूर याद रखना, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे बात कीजिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने चार देश आते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, जिबूती, इटेरिया, इथोपिया, सोमालिया, ये चार देश आते हैं इसको। क्योंकि ये अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है ना, ये लगभग सींग जैसा दिखता है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कह देते हैं। यहाँ पे कौन सा आ गया, सोमालिया आ जाता है यहाँ पर, ये इथोपिया आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये जिबूती आ जाता है यहाँ पर, और एक येरा इटेरिया यहाँ पे आ जाता है। तो ये चारों के चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना, सोमालिया से आगे गल्फ ऑफ एडान यानी एडान की खाड़ी है, यहाँ पे क्या आ गया, रेड सी आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यदि ग्लोबल साउथ की बात करें, आजकल ये शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है, ग्लोबल साउथ, ये ग्लोबल साउथ है क्या? तो ग्लोबल साउथ क्या है, यदि हम पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटें तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक नॉर्थ और एक क्या हो जाएगा, साउथ। नॉर्थ में ये माना जाता है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं यानी विकसित देश हैं वो सब नॉर्थ में हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऊपर यूरोप में आते हैं फ्रांस आ गया, इटली आ गया, बहुत सारे आते हैं, एशिया में आ जाओ तो ऊपर रशिया आता है, ये तो हो गया नॉर्थ वाला। लेकिन ग्लोबल साउथ, ये तो ग्लोबल नॉर्थ हो गया, ये ग्लोबल साउथ क्या हो गया? ग्लोबल साउथ तो वे कंट्रीज आ जाती हैं जो डेवलपिंग है, जो पूरी तरह से विकसित नहीं है या लिस्ट डेवलप्ड है, मतलब क्या है, जो अविकसित है, या तो अविकसित है या डेवलप हो रही है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ग्लोबल साउथ के अंतर्गत उनको रखा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। अब यदि पी वाई क्यू की बात करें तो देखो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ केन्या, तो केन्या का प्रेसिडेंट कौन है, मैंने पीछे बताया था आपको, विलियम राउ वहां का प्रेसिडेंट हो जाता है। आगे देखें तो हु इज द कैपिटल ऑफ केन्या, केन्या की कैपिटल क्या है, तो क्या है केन्या का, नैरोबी, ये चीज ध्यान रखना। केन्या इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा उसका प्रेसिडेंट भारत में यात्रा करने के लिए आया हुआ है, तो नैरोबी क्या होगा, उसकी राजधानी होगी। व्हाट इज केन्या करेंसी, यदि केन्या की करेंसी की बात करें तो केन्या की करेंसी क्या है, केन्या शिलिंग्स, इसकी क्या हो जाती है, करेंसी हो जाती है, ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे दिया गया केन्या, यहाँ पे लेक जरूर याद रखना, इसके पड़ोसी देश जरूर याद रखना, ये इंडियन ओशियन है, पीछे मैंने जिक्र किया था मोम्बासा, ये इसका क्या है, पोर्ट है, ये इसका पोर्ट है, इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर ध्यान रखना आप, क्योंकि 80% व्यापार यहीं से होता है, केन्या का 80% व्यापार आता है, यहाँ पे आती हैं चीजें और जाती हैं और फिर यहीं से इसके पड़ोसी देशों में भेज दी जाती हैं। तो इसके पड़ोसी देश की बात करें तो क्या है, सोमालिया, इथोपिया, यहाँ पे आ गया सूडान, ये सूडान कौन सा है, साउथ सूडान है, क्योंकि सूडान इस समय दो हिस्सों में बढ़ चुका है, ये साउथ सूडान है, ये क्या होता है, युगांडा हो जाता है, और यहाँ पे तंजानिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेक की बात करें तो ऊपर कौन सी लेक दी गई है और नीचे कौन सी, ये लेक विक्टोरिया है, ये चीज ध्यान रखना, ये लेक विक्टोरिया है और ऊपर कौन से, तुर्काना लेक, तो दो लेक याद रखना कि ये दोनों की दोनों लेक केन्या से टच होती है, ये तो तुर्काना तो केन्या के अंदर ही है, लेकिन ये युगांडा, ये जो लेक विक्टोरिया, युगांडा और तंजानिया और केन्या, इन तीनों के बीच में है, ये जरूर ध्यान रखना। तो आप लोगों को हमारी क्लास कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू।